हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करते हैं मैट्रिसेस चैप्टर के बारे में। इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने मैट्रिक्स क्या होती है इसके बारे में डिस्कस किया है। आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में कि मैट्रिक्स हमारी कितने टाइप्स की होती हैं और सभी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो हमारी हैं उनको कैसे कैसे हम लोग अरेंज करेंगे या फिर कैसे उनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारे टाइप्स क्या है मैट्रिसेस के बारे में। हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तो इसमें हम बात करते हैं कि m क्रॉस n। इसके पहले के लेक्चर में मैंने बताया था कि ये क्या है, आपका ऑर्डर है। क्या है? ऑर्डर है किसकी? मैट्रिक्स की। तो जो हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं वो किसके बेसिस पे बात कर रहे हैं? ऑर्डर के बेसिस पे बात कर रहे हैं कि ऑर्डर के बेसिस में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमारे कौन कौन सी हो सकती है। क्लियर? इसमें m क्या है? हमारा रो है। n क्या है? कॉलम है। यानी m हमें डिनोट कर रहा है रो, n डिनोट कर रहा है कॉलम। क्लियर? चलिए, तो बच्चों जब हमारा m इज इक्वल टू 1 होता है, यानी जब रो क्या होगा 1 हो, यानी कोई आपकी मैट्रिक्स है उसमें रो कितने हो 1 हो और कॉलम कितने हो, कितने भी हो सकते हैं, वो हमें मायने नहीं रखता। बस हमारा ये मायने रखता है कि हमारा रो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर हमारा नंबर ऑफ रो 1 है तो हम क्या बोलेंगे कि वो रो मैट्रिक्स है। ओके, ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो कितने हो 1 हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। जैसे दैट इज एग्जाम्पल देखते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए हमारे पास है 2, 3, -4, ये कोई एक मैट्रिक्स लिखी हुई है। इस मैट्रिक्स में आप देखिए तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, सॉरी रो, क्या बोलते हैं उन्हें, रो बोलते हैं। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया है, बट फिर से आप देख लीजिए, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, रो, और जो वर्टिकल लाइंस होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉलम। तो यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 और वर्टिकल लाइंस कितनी है, 1, 2, 3। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो गया वो क्या हो गया, 1 क्रॉस 3। इसमें रो कितने हैं, 1 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको, रो मैट्रिक्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की क्या कैसे बोल सकते हैं इसको, ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जब कॉलम की वैल्यू कितनी हो जाए 1, यानी नंबर ऑफ कॉलम कितने हो 1 हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। देखिए इसमें कैसे, इसका एग्जाम्पल अगर देखें हम तो हम इसे हम क्या बोलेंगे, 1, 2, -3। इसमें आप ध्यान से देखें तो आपके पास रो कितनी है, 1, 2, 3। तीन क्या है, रो है। कॉलम कितने हैं, 1, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन 3 और वर्टिकल लाइंस 1। तो इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, 3 क्रॉस 1, यानी कि कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 × 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, जिसमें 3 क्या है, रो है, और 1 क्या है, कॉलम। यानी नंबर ऑफ कॉलम अगर 1 होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ध्यान से समझिएगा इसको, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स आप समझ रहे होंगे जिसका हॉरिजॉन्टल पोर्शन, यानी कि जिसमें कि लेंथ हमारी ज़्यादा हो, उसी अकॉर्डिंग बात करते हैं। ऐसे तो फिर ऐसे नॉर्मली हो गया हमारा लॉजिक के अकॉर्डिंग। अगर हम ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखें, m इज लेस देन n, यानी n इज ग्रेटर देन m, यानी कॉलम की वैल्यू कॉलम की वैल्यू रो से ज़्यादा होनी चाहिए। मीन्स कॉलम की वैल्यू रो से ज़्यादा होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस इज ग्रेटर देन, मतलब 1, 2, 3, 4, तो ये पोर्शन हमारा एक्सटेंड होगा। कैसे, देखिए एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं तो मैं अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास है 1, 2, 0, 4, 2, 3, -4, -5, ये रहा ठीक। तो इसमें आप देखिए आपके पास वर्टिकल लाइंस कितनी है, 1, 2, 3, 4, और हॉरिजॉन्टल लाइंस 1 और 2, तो यहाँ हो गया 2 क्रॉस 4। तो इसमें हमारा जो नंबर ऑफ कॉलम है वो ग्रेटर देन किसे, नंबर ऑफ रो से, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्लियर? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब हमारी रो यानी m मतलब रो, नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। मीन्स इसमें क्या बोलेंगे, अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, इसके एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारा रो ज़्यादा होना चाहिए और कॉलम कम होना चाहिए, 2, 3, 4, -6, -0, 0, 5, 4, 3, 2, 1। ये देखिए इसमें देखिए रो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 क्या है इसमें, रो हैं,
और 1, 2, 3 क्या है इसमें कॉलम है, तो नंबर ऑफ रो इज 4 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 3, मीन्स इसमें क्या है रो की वैल्यू क्या है ज़्यादा है किससे कॉलम से, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। बच्चों इसको आप ध्यान से समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका यही है, अभी इसके बाद भी हमें इसी के बारे में पढ़ना है, इसलिए देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें आपको क्या करना है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल, देखिए नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल, अगर आपके नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल है तो आप उसे क्या बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट है इसे आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके बेसिस पे अगर इसके एग्जांपल की बात की जाए तो इसका एग्जांपल क्या होगा सिंपल 2, 3, 4, -5 2×2 देखिए m इज इक्वल टू n है इसलिए इसको क्या बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक तो बच्चों आपको मैंने यहाँ पे 5 टाइप्स बताए मैट्रिक्स के, पहला है हमारे पास रो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो कितने होने चाहिए 1 तो उसे हम क्या बोलेंगे रो मैट्रिक्स, अगर नंबर ऑफ कॉलम 1 है तो उसे हम क्या बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, अगर नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम है, नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम है तो उसे हम क्या बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स, अगर नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम है तो उसे हम क्या बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, अगर नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है तो उसे हम क्या बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बच्चों ये हो गया हमारे एक सिंपल मैट्रिसेस के टाइप्स जो कि हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं जो कि बहुत इजी है, लेकिन जो हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिर से हम जो बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में, स्क्वायर मैट्रिक्स अगेन देखिए हमारा टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे मैंने भी बताया था कि हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती हैं वो भी हमारी टाइप्स कई टाइप्स में आती हैं। चलिए देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स को हम अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दूसरा है डायगोनल मैट्रिक्स। बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है वो अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, क्लियर कोई डाउट है आपको, चलिए ठीक है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें बच्चों अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है वो देखिए, इस मैट्रिक्स में हम क्या बोलेंगे हैविंग ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास ए आई जे इक्वल टू जीरो हो फॉर All I is greater than J। इसका अंदर समझे आप, मतलब ये है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सभी होगा जब ए आई जे जीरो हो, कहां पर जहां पे I is greater than J। देखिए एग्जाम्पल देखिए इसके अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, हाँ बच्चों एक बात ध्यान रखना जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स है ये भी कैसे मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब m इक्वल टू n, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इज दैट क्लियर ओके। चलिए देखिए अगर हम बात करें इसमें कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, तो a11 a22 और a33 ठीक है, मैंने बोला ए आई जे इक्वल टू जीरो होगा कहां पर जहां पर i इज ग्रेटर देन j है, तो i इज ग्रेटर देन आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कोई भी मैट्रिक्स होती है तो उसमें जो अपर वाला पार्ट होता है यहाँ पर जो यहाँ का पार्ट होता है उसमें j इज ग्रेटर देन i होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है उसमें i इज ग्रेटर देन j होता है ओके। चलिए तो हमारे पास क्या बोला है ए आई जे जीरो होगा कहाँ पर जहाँ i इज ग्रेटर देन j है, मतलब यहाँ पर जीरो होगा यहाँ जीरो होगा यहाँ जीरो होगा, यहाँ हमें मिलेगा a12 a13 और a23, तो ये हमें मिल गई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर आप ऐसे भूल जाते हैं तो आप ध्यान रखिए लॉजिक तरीके से, अगर हम बात करें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की तो इसका मतलब क्या है जो हमारा ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसको भी यार मैंने बताया है प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं उसके नीचे वाली जो जो ट्रायंगल बनती है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाली जो ट्रायंगल बनता है उसके सभी एलिमेंट्स क्या होंगे जीरो, किस में जब अपर में, तो याद करने का तरीका क्या है अगर अपर है तो नीचे का जीरो होगा, इसी तरीके अगर लोअर है तो ऊपर का जीरो होगा, कैसे देखिए अगर हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें क्या था ए आई जे जीरो था कहां पे जब आई इज ग्रेटर देन जे था, तो इसमें क्या होगा हैविंग ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल जे इज ग्रेटर देन आई, क्लियर। चलो देखो अगर इसके एग्जांपल की बात की जाए तो इसका एग्जांपल देखिए कैसे होगा a11, a21, a31, 0, 0,
A22, 0, A32 एंड A33। ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स थी हमारे पास? 3x3 की। ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3x3। क्लियर बच्चों? देखिए अब बात कर रहे हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा? AIJ = 0। बच्चों ये AIJ मतलब समझ रहे हो ना, मैंने आपको बताया है। क्या बताया? AIJ क्या? एलिमेंट है किसका? जो आपने मैट्रिक्स ली है। जैसे मान लीजिए हमने ये मैट्रिक्स ली है, कोई एक ए मैट्रिक्स है ये हमारा। ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये बी मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होंगे क्या होंगे? AIJ। इस बी मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या होंगे? AIJ। मतलब आई के प्लेस पे हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे, AIJ के प्लेस पे हमें एलिमेंट्स मिलता जाएगा। ये सारी बातें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई है। प्लीज़ आप अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मेरे फर्स्ट लेक्चर में जाकर के आप देख सकते हैं, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो अगर हम बात करें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जहाँ पे जे की वैल्यू आई से बड़ी होगी, वहाँ के सभी एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे? जीरो होंगे। सेम केस जैसे हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया, वैसे यहाँ पर भी लॉजिक लगाएंगे। जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उसके ऊपर का जो ट्रायंगल बनता है, आप देखिए ट्रायंगल बन रहा है आपका, ये ट्रायंगल बनता है, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे। कब? जब लोअर होगा। मीन्स लोअर में ऊपर का जीरो और अपर में नीचे का जीरो, दोनों एक दूसरे कैसे हैं? अपोजिट है। तो आपको ध्यान रहेगा ना, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, बच्चे हमेशा गलती करते हैं इस चीज़ में। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। ये भी हमारा कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो पहले बात करें कि डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या है। चलिए देखिए, अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? हैविंग AIJ इक्वल टू जीरो, हैविंग AIJ इक्वल टू जीरो फॉर ऑल I इज नॉट इक्वल टू J। मतलब कि जो हमारा AIJ जो एलिमेंट है वो जीरो होगा कहाँ कहाँ पर? जहाँ पे I J के बराबर नहीं होगा। क्लियर? चलिए बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है A, इस मैट्रिक्स की अगर बात करें, जैसे देखिए A11, A22, A33। ठीक, तो हमने बोला जहाँ पे आई जे के बराबर ना हो, यहाँ देखिए आई जे के बराबर है, यहाँ भी आई जे के बराबर है, यहाँ पर भी आई जे के बराबर है, लेकिन हमने बोला जहाँ पे आई जे के बराबर नहीं होगा वहीं पर ए आई जे जीरो होगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा? जीरो। यहाँ पर भी आई जे के बराबर नहीं है, यहाँ पर भी 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 नहीं और यहाँ पर भी नहीं है। इस तरीके से आपको मिल गई एक डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, तो डायगोनल मैट्रिक्स कैसे आप पहचानेंगे? मीन्स AIJ जहाँ पर बराबर होगा वहाँ पर, सॉरी जहाँ पे IJ की वैल्यू बराबर होगी वहाँ पर हमारे एलिमेंट जीरो नहीं होंगे। बाकी की अदर जगह पर जहाँ पे IJ के बराबर नहीं होगा वहाँ के एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे। तो हम उसे क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। आप ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी के सभी एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर? चलिए देखिए, देखिए प्रिंसिपल डायगोनल नहीं, कौन सी डायगोनल है? ये प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं इसको, और प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में मिलती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। प्रिंसिपल डायगोनल। चलिए अब हम बात करते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। डायगोनल मैट्रिक्स को भी सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से वो भी देख लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है स्केलर मैट्रिक्स और दूसरा होता है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है? अगर हम स्केलर मैट्रिक्स की बात करें एग्जांपल के अकॉर्डिंग, तो सी बराबर मान लेते कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, ये 3x3 की थी क्योंकि इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। चलिए स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। स्केलर मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या मैंने बताई है? प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी के सभी एलिमेंट्स क्या होंगे? क्या होंगे? जीरो होंगे। बहुत सही, गुड। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे ए है, A11, A22, A33, 0, 0, 0, 0, 0, 0। तो बच्चों कैसे ये स्केलर मैट्रिक्स होगी? हम बोलेंगे इफ एक सेकंड, यहाँ ए कर लेते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। इफ ए इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक, यानी कि ए की वैल्यू ना तो 1 हो
और ना ही, हाँ ठीक है चलिए, इफ ए इज नॉट इक्वल टू वन देन ये हमारी क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स। मतलब कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप वो समझिए, यहाँ पर एक जो आप वैल्यूज देख रहे हैं, अगर ए के प्लेस पर वन के अलावा कोई भी एलिमेंट आ जाए, टू आ जाए, थ्री आ जाए, फोर आ जाए, फाइव आ जाए, सिक्स आ जाए, जो भी एलिमेंट लाना हो आप ला सकते हैं, बस आपका सिर्फ वन नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि अगर वन आ गया तो कुछ और हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? देखिए कैसे, अभी मैं दिखा रहा हूँ, अगर वन आ गया तो क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स पहले बात करते हैं तब मैं इसको और क्लियर करता हूँ। यूनिट मैट्रिक्स अगर एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए कोई डी मैट्रिक्स है आपके पास, ए जीरो 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 ए जीरो 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 ए, इफ ए इज इक्वल टू वन। देखिए दोनों की प्रॉपर्टी क्या है आप समझ में आइएगा, कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, अगर कन्फ्यूज हो गए तो आप परेशान हो जाएंगे। चलिए देखिए किसकी बात कर रहा हूँ मैं, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है और यूनिट मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इनके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी के सभी एलिमेंट्स इसमें भी जीरो हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी के सभी एलिमेंट्स इसमें भी जीरो हैं। ठीक, अब स्केलर मैट्रिक्स कैसे बोलेंगे, अगर आपकी जो ए दिख रहा है, आप ए यहाँ पर भी, ए यहाँ पर भी, ए यहाँ पर भी, तीनों सेम होंगे, अगर ए की वैल्यू वन ना होकर कुछ भी हो गई तो आप उसे बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। कुछ भी का मतलब क्या, जीरो नहीं, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो फिर से क्या डायगोनल मैट्रिक्स होगी, क्या नहीं होगी, तब वो नल मैट्रिक्स बन जाएगी। क्यों? नल मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए, नल मैट्रिक्स मतलब क्या, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं करना, क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो ही नहीं, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी के सभी एलिमेंट्स जीरो होते हैं। तो यहाँ पे ए जो है उसकी वैल्यू वन ना होकर कुछ भी हो सकती है, टू थ्री माइनस टू माइनस थ्री माइनस वन, कुछ भी, रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, फंक्शन भी हो सकता है कोई, जैसा कि मैंने फर्स्ट स्ट्रक्चर में बताया था। ठीक है, चलिए यहाँ बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स। आपको नाम से पता चल रहा होगा यूनिट मैट्रिक्स मतलब एक, तो ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या होना चाहिए, वन, अगर वो वन है तो उसे हम बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। बच्चों यूनिट मैट्रिक्स का एक नाम और है, उसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल मैट्रिक्स। क्लियर? चलिए ठीक, तो बच्चों आज के टॉपिक में जहाँ तक मुझे विश्वास है कि आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे, सारे टाइप्स इसके समझ में आ गए होंगे, तो मैंने इस आज के टॉपिक में ये पढ़ाया आपको कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस हमारे कितने टाइप्स होते हैं। नॉर्मली हम मैट्रिसेस जो पहले पढ़े थे, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में भी हम लोगों ने कई टू पार्ट्स पढ़े, एक पढ़ा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा पढ़ा डायगोनल मैट्रिक्स। तो जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था उसके भी दो पार्ट्स में आगे डिवाइड किया गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिनमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं उसके नीचे के सभी एलिमेंट्स क्या हों, जीरो हों। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के, लोअर में ऊपर के एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। फिर हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी के सभी एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो। डायगोनल मैट्रिक्स को अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो ये स्केलर मैट्रिक्स ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स सभी क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन कभी भी वन नहीं होंगे। और यूनिट मैट्रिक्स में क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स सभी क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन हमेशा वन होंगे, वन के अलावा वो और कुछ भी नहीं हो सकते। क्लियर? चलिए तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप उसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, आपकी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेगी और आपको और भी जो भी प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइए और मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ डालता रहूँगा। ओके, चलिए बाय।